नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। विगत दिनों मऊगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ट्रैक्टर की ट्रॉली में लोड मशीन में दबने से रत्नेश साकेत नाम की युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस दुर्घटना मानकर मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। वहीं गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, मृतक के साथी और अन्य समर्थकों के साथ आरोप लगाया कि घटना दिनांक 2 जनवरी को लगभग 10 बजे आरोपी विवेक शर्मा युवकों के घर पहुंचे, जहां धान के पैरा की कुटी काटने के लिए ट्रैक्टर में मजदूरी करवाने के लिए ले गए थे। दिन भर काम करवाने के बाद शाम को जब पैसों की मांग की तो पैसा देने की वजह गाली गलौज करने लगे और कहा कि चलो घर पैसा देते हैं। इसी दौरान गलका पहाड़ अमझार नाला के पास पहुंचे, जहां रत्नेश को ट्रैक्टर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। जबकि साथी युवक ने विरोध किया तो दोनों युवकों को लात घूसों से मारपीट की और ट्रैक्टर के पीछे बांध कर भी प्रताड़ित किया, जिससे वह बेहोश हो गया और रत्नेश को भी ट्रैक्टर से गिराने के बाद टायर के लीवर से मारपीट की गई थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। वह घायल हुआ, जिसे बाद में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वही साथी युवक मुकेश ने बताया कि उसने पहले साजिश पूर्वक हत्या और हत्या के प्रयास की शिकायत की थी, लेकिन मऊगंज पुलिस के द्वारा उक्त प्रकरण को दर्ज नहीं किया गया, जबकि 304 धारा के तहत प्रकरण को पंजीबद्ध किया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर हत्या के प्रयास और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की और कार्रवाई की मांग की है। लोग काम करने गए सुबह में किए, फिर शाम को आए तो पैसा मांगे तो वो गाली बज रहे थे, फिर बोले चलो आगे देते हैं, फिर आगे लेते हैं तो हम लोगों को खड़ा करके मारने लगे। टिकट से उसको ढोंस दिए हमारे भाई को, जितने साकेत को, तो फिर हम रोने लगे, फिर कहे कुछ को बचाओ, फिर हमको बांध दिया गया, फिर मारने लगे दोनों। कौन मारपीट किया है? विवेक शर्मा। उनके यहाँ आप काम करते थे? क्या काम करते थे वहाँ? हाँ, मशीन चलाने जाते थे, कुटी मशीन। कहाँ से आए आप लोग? बनपाड़ा। क्या नाम है? मनमोहन। किस थाना से? थाना माऊ। बसपा जिला अध्यक्ष एडवोकेट अमित कर्नल, आज यहाँ पर हम आए हैं कि ये दिनांक 3 तारीख को ये मनमोहन जी हैं और एक रत्नेश साकेत की जो है तो हत्या कर दी गई है और ये घायल थे, अभी इलाज होकर या अभी डिस्चार्ज होकर अभी संजय गांधी से आए हैं, भर्ती हो गए थे। अभी जो है तो मामला ये है कि अभी जो मऊगंज थाना अंतर्गत घटना हुई, बनपाड़ा ग्राम के हैं ये, इसमें जो है तो मामले को घुमाया गया, उधर जो है तो आरोपी बड़े दबाव में, राजनीतिक दबाव में, इस भाजपा सरकार में हमेशा जो है तो गरीबों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है और उसी तरह मामले को दबाने के लिए गैर इरादतन हत्या 304 के तहत मुकदमा दर्ज करा के मामले को दबाया गया, लेकिन असलियत में मामला हत्या का था, इनको मारा गया, ये घायल थे तो कायदे से 302 और जो है तो 307 का मामला बनना चाहिए, लेकिन मामले को घुमाकर 304 में अटका दिया गया। हम लोगों की डिमांड ये है कि अभी ये स्वस्थ हो गए हैं, इनके बयान के आधार पर अभी एसपी साहब के पास आए हैं, एसपी साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने वो अपॉइंटमेंट दिया और अभी जो है तो उनके सामने ये बयान होगा और इसके आधार पर जो है तो आगे कार्रवाई होगी। हमारी मांग है कि आरोपियों के ऊपर हत्या का मामला दर्ज हो और 307 का मामला दर्ज हो और इसके साथ साथ उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके, क्योंकि इनके घर पर जाकर अब वो जान से मारने की धमकी देते हैं कि जिस तरह हमने रत्नेश को मार दिया उसी तरह तुमको भी मार देंगे। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा।